जेडे भी पेशेंट्स नकसीर छोड़ती है उसके रीजनस काफ़ी होंगे है लोजल जेडे टिश्यूज है उन्होंने सॉफ्ट होना या बीपी का बहुत ज़्यादा भोजन मैं उपाय दस लगे उसमें ध्यान समझना। जे तुसी अपनी नक तो खून वगना शुरू कर दियो जा किसी होर दे नक तो अचानक खून वगना वेख दियो ता तुसी घबरा जांदे हो पर ये आम तौर ते सेहत दी गंभीर समस्या नहीं हुंदी। हाँ ये निश्चित तौर ते गंभीर सेहत समस्या दा संकेत हो सकदा है। जे समय से समस्या वाल ध्यान दिता जांदा है ता इलाज बहुत आसान हुंदा है। नक चेहरे तो बाहर रहिंदी है इसलिए इसकी स्थिति बहुत नाजुक है। इस विच खून दा गेड़ भी वध हुंदा है। यह हवा नूं बाहर फिल्टर करता है अते जो तो हवा बहुत खुश्क होंदी है जिवें कि गर्मी दी गर्मी जां डुबदी सर्दी यह नक दे अंदरूनी परत दे नेड़े खून दीआं नाड़ियां फटन दा कारण बनदी है। इस नाल नक विचों खून वगदा है इसनूं एपिसोटैक्सिस कहा जांदा है। नक वगना नक तो खून वगना ही एक आम समस्या है जो साह दीआं बीमारियां जां खुश्की कारण हो सकती है। यह बेकाबू ब्लड प्रैशर आदि कारण करके हो सकती है। आओ तुहानू सुनाउने आं नकसीर तो छुटकारा पाउण दा डॉक्टर साहब दा घरेलू नुस्खा। सत श्री अकाल जी, मैं डॉक्टर नरेंद्रपाल सिंह पैरामाउंट हैल्थ केयर तो पंजाबी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मेरा तहे दिलों स्वागत है जी। अज आप गल करांगे नकसीर उत्ते जेडे भी पेशेंट्स नूं नकसीर छुटदी है उसके रीजनस काफ़ी होंगे है लोजल जेडे टिश्यूज है उन्होंने सॉफ्ट होना या बीपी का बहुत ज़्यादा भोजन है वो डिपेंड करता कि इससे कई बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं वो जो नोजल टिश्यूज है उन्होंने सॉफ्ट होंगे या अल्डर एज जाके प्रॉब्लम्स आदि तो वो प्रॉब्लम्स का जो मेन रीजन होता बीपी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना तो तुम्हें इसलिए मैं एक छोटा जहा उपाय घरेलू उपाय दस लगे उसमें ध्यान समझना। नकसीर छुड़न वाले जिसनों नकसीर की प्रॉब्लम्स है वो गर्मी मोस्टली ज़्यादा होंगी है यह प्रॉब्लम्स। सब तो पहला 50 ग्राम सुके कमल के फुल तुसी लेने 50 ग्राम जिहड़े सुके कमल के फुल लेने 50 ग्राम लेनी तुसी धागा मिश्री और इन्हां नूं तुसी ग्राइंड कर लेना कुट लेना पीस लेना और किसी कच्च के जार के बोतल के इस पा लेना और अद्धा चम्मच कोसे हल्के कोसे दुध के नाल अद्धा चम्मच हल्के कोसे दुध के नाल सवेरे शाम सिर्फ 7 दिन तुसी इस नूं लेना। इस नाल तुहाडा जिहड़ा नकसीर दा जिहड़ी नकसीर दी प्रॉब्लम है वो थोड़ी मतलब कि ठीक हो जाएगी। तो थैंक यू।